हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। तो RRBB क्लर्क का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आप लोग जाके देख सकते हो। जो टेलीग्राम पे उनको लिंक मिल गया होगा, जो नहीं है मैं उनके लिए बता दूं, आप सरकारी रिजल्ट से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आके आपको रिजल्ट में दिख जाएगा ऊपर ऑफिस असिस्टेंट फेज़ 1 का रिजल्ट, और नीचे जब स्क्रॉल करोगे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डायरेक्ट लॉगिन वाला फेज़ खुल जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा है असिस्टेंट प्री का रिजल्ट, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासवर्ड डाल देंगे हम लोग यहाँ पे। मैं मैन्युअली पासवर्ड डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कई अभी ट्राई भी कर चुका हूँ, मेरा खुल नहीं आया रिज़ल्ट। हाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्शन डालेंगे ताकि इसको पता चल जाए कि हम रोबोट नहीं हैं। ऑब्वियसली रिज़ल्ट तो मैंने देख ही लिया है, बस ये चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, और जिनको पता है ये चीज़ क्या है। थैंक यू लिख के आ रहा है, थैंक यू का मतलब वो लोग हमको थैंक्स कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ नौकरी करने नहीं आ सकते हैं। जिसका कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आएगा उसको पता होगा उसकी डेट, मतलब आगे की डेट भी पता जाएगी, मेंस की आ गया होगा। इसका मतलब मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ है, थैंक यू का मतलब मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ है। ये काफ़ी लोगों का दुश्मन है थैंक यू। और प्री इसका 16 सितंबर को है, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट जिसका प्री है। जिसका नहीं निकला वो, जिसका मेंस है उसके लिए ऑल द बेस्ट, जिसका नहीं निकला है उसके लिए अभी हार मत मानो, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं ना। PO है, अभी IVS PO है। PO निकालना काफ़ी आसान होता है कंपेयर टू क्लर्क। मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है कई बार कि आप PO पे फोकस कर लिया करो क्योंकि वो निकालना काफ़ी इजी होता है। अभी 10th को मेरा भी मेंस का एग्ज़ाम है PO का, अब उस पर फोकस करते हैं हम लोग। और मैंने RRBB क्लर्क में 76 अटैम्प्ट करा था UP से, OBC कैटेगरी से। तो जिसका निकल गया है वो अपने अटैम्प्ट और स्टेट का नेम और कैटेगरी बता देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा प्रिडिक्ट करने में कि कट ऑफ कितनी गई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और ठीक है, नहीं निकला थोड़ा सा दुख रहता ही है हमें, है ना। और काफ़ी लोगों का निकला है, उनको ऑल द बेस्ट। और जिनका नहीं निकला वो लोग अभी और फोकस करते रहें, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं ना। मॉक टेस्ट डेली लगाएं, एनालिसिस करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपका कभी ना कभी हो ही जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।